ये पांच गलती तो कभी मत करना है स्टूडेंट्स। आप लोग के कंपार्टमेंट एग्जाम इंप्रूवमेंट और साथ ही साथ जिन स्टूडेंट्स की आरटी लगी हुई है उन सभी का एग्जाम जो है 17 जुलाई से होने वाले हैं, तो आज का वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आप लोग के पास पूरे 24 घंटे में अगर 5 मिनट भी अगर आप इस वीडियो को नहीं दे पाते हैं तो आपका कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि ये वीडियो रियली में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हर एक स्टूडेंट्स को इन 5 बातों को ध्यान रखना चाहिए। ये अभी मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये जो आपके पास 15 से 20 दिन जो समय बचा हुआ है यही वो टाइम है जहां पर ये गलती आप लोग करेंगे और आप में से काफी सारे बच्चे ये कर भी रहे होंगे, तो आज के वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि कंपार्टमेंट के एग्जाम को लेकर सारी स्टडी मटेरियल से लेकर एग्जाम को लेकर और आपके रिजल्ट तक जो है पूरी कंप्लीट यहां पे हेल्प की जा रही है। कंपार्टमेंट के पेपर को लेकर मैं आपको बता दूं, सारे पेपर जो है मैंने आप लोग के लिए इंस्टाग्राम पे दे रखा है। इंस्टाग्राम का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर सिंपली सीख हिंदुस्तान जो है सर्च करके जो है आप मेरे साथ ज्वाइन हो जाएगा, क्योंकि कंपार्टमेंट को लेकर काफी सारी जो इंपॉर्टेंट पेपर होगा एक एक करके जो बीच बीच में पेपर आते रहेंगे जिसको लेकर मैं वीडियो नहीं बना पाऊंगा, तो उसके लिए जो है मैं आपको डायरेक्ट उसका पेपर का पीडीएफ ही दूंगा, तो वो इंस्टाग्राम पे ही आपको मिलेगा। और साथ ही साथ जो है आपके लिए जितने भी इंपॉर्टेंट जो है आप लोगों को अगर कोई सवाल होगा डाउट होगा तो आप मुझसे डायरेक्टली जो है इंस्टाग्राम पे बात कर सकते हैं, तो इंस्टाग्राम पे ज्वाइन हो जाइएगा। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं 5 बड़ी गलतियां जो अक्सर बच्चे यहां पे एग्जाम में करते हैं। सबसे पहले हम यहां पे पहली गलती से शुरुआत करते हैं। आप में से 10 इन 12 के सभी स्टूडेंट्स हैं, अलग अलग सब्जेक्ट में हर एक बच्चों की कंपार्टमेंट आई हुई है। पहली गलती जो आप लोग इस वक्त जो कर रहे होंगे या फिर अब जो है वो ये गलती करने वाले हैं, तो वो गलती आपको नहीं करना है। यहां पे आप लोग देखिए एनसीईआरटी का साथ बिल्कुल नहीं छोड़ना है। अक्सर लास्ट टाइम में बच्चे यही गलती करते हैं, उन्होंने पूरा एनसीईआरटी जो है, आप में से काफी सारे बच्चों ने एनसीईआरटी को कंप्लीट कर लिया होगा, उनको अब ऐसा लग रहा है कि एनसीईआरटी तो कंप्लीट हो चुकी है, अब एनसीईआरटी की जरूरत नहीं है, अब मैं जो है सीधा एक ही चीज करूंगा, सैंपल पेपर करूंगा और साथ ही साथ जो है प्रीवियस ईयर के पेपर को देखूंगा, बस यही दो चीजें करूंगा, एनसीईआरटी को मैं यहां पर साइड में रख देता हूं क्योंकि वो मेरा कंप्लीट हो चुका है। लास्ट टाइम में यही वाली गलती जो है ज्यादा बच्चे करते हैं, तो एनसीईआरटी का आपको साथ नहीं छोड़ना है। बोर्ड एग्जाम एक अलग एग्जाम था, इस बार जो आप लोग एग्जाम देने जा रहे हैं कंपार्टमेंट का देने जा रहे हैं, इंप्रूवमेंट का देने जा रहे हैं, तो इसके अकॉर्डिंग पढ़िए, एनसीईआरटी का साथ नहीं छोड़ना है। साथ ही साथ दोस्तों सेकंड बड़ी गलती जो बच्चे अक्सर करते हैं, फुल सिलेबस करने की गलती। अब आप में से काफी सारे स्टूडेंट्स कहेंगे कि पेपर तो पूरा ही यहां पे सिलेबस से आने वाला है, पूरे बुक से आएगा, तो मुझे पढ़ना तो पूरा ही बुक है। आप लोग बिल्कुल अपनी जगह पे सही है, लेकिन कब पढ़ना होता है, जब 2 महीने आपके पास समय थे तब आपको फुल सिलेबस पढ़ना था। अभी गिनती के 15 से 20 दिन बचे हैं, तो ऐसे में जिन बच्चों की अभी तैयारी नहीं हो पाई है, चाहे कोई क्लास 10 का स्टूडेंट हो सकता है या फिर 12 का स्टूडेंट हो सकता है, अगर आपको ऐसा अभी लगता है कि आपकी तैयारी अभी भी नहीं हो पाई है, देन दोस्तों फुल सिलेबस में दिमाग मत लगाइए। यहां पर अभी टाइम है कि आप लोग जो है उन चैप्टर्स को करिए, केवल उन चैप्टर्स को करिए जिससे पहले पासिंग नंबर को यहां पर क्लियर किया जा सके। आप लोग जो है 3-4 जो हाई वेटेज वाले चैप्टर है उनको पहले मार्क कर लीजिए, केवल उनको सबसे पहले करिए। पूरे सिलेबस को एक साथ करेंगे तो ना इधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे, इसलिए जरूरी है एक पर फोकस करिए, पहले पासिंग मार्क्स को कंप्लीट करिए जिन बच्चों को ऐसा लगता है कि उनकी तैयारी नहीं हो पाई है। तीसरी बड़ी गलती पे बात करते हैं, तो आप लोग जो है बोर्ड एग्जाम नहीं बल्कि आप लोग कंपार्टमेंट एग्जाम देने जा रहे हैं, तो एक गलती जो आप किसी भी स्टूडेंट्स को नहीं करना है इस बार के कंपार्टमेंट एग्जाम में, आप लोग यहां पे देखिए क्वेश्चंस को अटेम्प्ट नहीं करने की गलती। एवरी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, हर एक क्वेश्चन को अटेंड करना है। बोर्ड एग्जाम में कॉपियां ऐसे ऐसे आती है एग्जामिनर के पास, लेकिन कंपार्टमेंट एग्जाम में कॉपियां ये इतनी इतनी हो जाती है क्योंकि कंपार्टमेंट में आप लोग गिनती के स्टूडेंट्स हैं, तो एग्जामिनर के पास कॉपियां कम होती है, तो वो ज्यादा टाइम देते हैं कंपार्टमेंट की कॉपियों को चेक करने में। इसलिए जरूरी है कि आप लोग जो है अपना पूरा बेस्ट दीजिए, हर एक क्वेश्चन को करिए और करने की कोशिश करिए, पेपर को खाली मत छोड़िए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि एग्जामिनर जो है कॉपी चेक कर रहे होते हैं, तो बच्चे जब यहां पर आधे एक नंबर से 2-3 नंबर से जब रह जाते हैं तो एग्जामिनर जो है वहां पर आधे आधे नंबर करके जो है 2-3 नंबर क्वेश्चंस में जो है नंबर को बढ़ाकर 1 से 1.5 नंबर या 2 नंबर जो है बच्चों को बढ़ाकर पास कर देते हैं, लेकिन ये तब पॉसिबल हो पाता है जब कॉपी में कुछ लिखा होता है। अब आप लोग सपोज करिए कि पूरा पेपर जो है ब्लैंक है, तो वहां पर आपको ब्लैंक पेज पर नंबर नहीं मिलेगा, तो इसलिए जरूरी है कि आप लोग जो है जो भी आपको पेपर में बैठेंगे यानी जिस भी सब्जेक्ट का पेपर बैठेंगे उसमें आपको जो क्वेश्चन पहले आता है वो तो आप करेंगे ही, इसके साथ साथ जो क्वेश्चन नहीं भी आता है उनको एटलीस्ट अटेंड करने की कोशिश करेंगे, खाली नहीं छोड़ना है, तो ये ध्यान रखिएगा। और वही हम चौथी गलती में बात करें, लेकिन उससे पहले आप लोगों को बता दूं, जैसे कि मैंने कहा था कि मैथमेटिक्स का जो है कुछ इंपॉर्टेंट यहां पर आप लोगों को जो है क्वेश्चंस में टिक लगवाने वाला हूं, जो एग्जाम को लेकर आपके आने वाले जो एग्जाम है कंपार्टमेंट का उसमें आपको काफी ज्यादा हेल्प करेगा। तो ये जो क्वेश्चन का पीडीएफ है मैंने इंस्टाग्राम पर डाल दिया है, तो इंस्टाग्राम का जो है लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर सीख हिंदुस्तान सर्च करके वहां पर ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि जितनी भी चीजें हैं मैं इंस्टाग्राम पर आपको दे रहा हूं क्योंकि वहां पर प्रोवाइड कराना ईजी है। इसके साथ
सा जो है आपको जो डाउट होता है आप मुझसे डायरेक्टली जो है वहां पे बात करके इंस्टेंट जो है उसका सॉल्यूशन भी हो जाता है। तो सारी चीजें इंस्टाग्राम पर इजी है, तो इसलिए जो है इंस्टाग्राम पे ज्वाइन हो जाइएगा। आप लोग को जो मैथमेटिक्स का मैंने क्वेश्चन जो बता रहा था टिक लगवा के आपको दूंगा, तो उसका पूरा कंप्लीट जो है मैंने टिक लगा के उसका पीडीएफ जो है मैंने अपलोड कर दिया है इंस्टाग्राम पे, तो जाकर आप लोग जो है वहां पर देख लीजिएगा। चौथी बड़ी गलती जो बच्चे अक्सर करते हैं, पेपर प्रेजेंटेशन का ध्यान नहीं रखते हैं। बोर्ड एग्जाम में आपने जो किया उसे भूल जाइए, यहां पर पेपर को प्रेजेंट करने का तरीका बहुत ही ज्यादा आपका औसम होना चाहिए। स्टार्टिंग में वही सारे क्वेश्चंस करने हैं जो आपको आ रहे हैं, स्टार्टिंग से जो है दिमाग मत लगाने लगेगा हर एक क्वेश्चन को अपने ऑन बोर्ड में लिखने का, या फिर जो है दिमाग मत लगाने लगेगा आंसर्स को जो है बनाकर कुछ भी लिखने का। ये जितना भी एक्सपेरिमेंट करना है लास्ट में करना है, स्टार्टिंग में आपको वही सारे आंसर का जवाब देना है जो आपको पूरी तरीके से आ रहा हो। नंबर को अरेंज करने की कोशिश करिएगा, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 4, 4 के बाद जो है 5, 5 के बाद 6 नहीं आता है तो 6 को छोड़ के 7, 7 के बाद जो है 8, 9, इस तरीके से नंबरिंग जो है अरेंज करने की कोशिश करिएगा। पेपर प्रेजेंटेशन का एक काफी अच्छा तरीका है। ये छोटी छोटी जो है आप लोग जो है यहां पर ये गलती को कंपार्टमेंट एग्जाम में नहीं करेंगे तो आपकी कॉपी जो है काफी इंप्रेसिव बन जाती है, और एग्जामिनर जब आपकी कॉपी चेक करते हैं तो एक फर्स्ट इंप्रेशन जो है आप लोग का अच्छा होता है। तो ये जरूरी है कि ये सारी चीजों का भी जो है आप लोग ध्यान रखिएगा। पेपर प्रेजेंटेशन पे एक डिटेल वीडियो जो है मैं आप लोग के लिए लाऊंगा जिसमें बकायदा आपको जो है पूरा पेपर प्रेजेंट करके दिखाऊंगा, तो वो वीडियो जो है आपको मेरे चैनल पे जल्दी देखने को मिलेगा। वो नीचे जो है आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा वो वीडियो मैं आपको कब दूं, नेक्स्ट वाला वही दूं या फिर जो है वो वाला वीडियो जो है मैं आपको पेपर से पहले दूंगा, ये कमेंट करके एक बार जरूर बता दीजिएगा। पांचवी और आखिरी बड़ी गलती पे बात करें तो आप लोग का कंपार्टमेंट लग चुका है, किसी भी सब्जेक्ट में आपका लगा हुआ है, किसी का फिजिक्स में लगा हुआ है, किसी का केमिस्ट्री में लगा हुआ है, या फिर किसी का दो दो सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट लगा हुआ है। अब आप लोग जो है एक बार जो है 5 मिनट या 10 मिनट जो है आराम से बैठिए और सोचिए कि आपने बोर्ड एग्जाम में क्या गलती की थी जो इस वक्त आपको नहीं करना है। ये मुझे जो है पहले नंबर पे बताना चाहिए था लेकिन मैंने लास्ट बताया है, तो इसको भी जो है सीरियस लीजिएगा। जो गलती आपने बोर्ड एग्जाम में की है वो गलती यहां पर आपको नहीं करना है, क्योंकि ये 20 दिन आपके पास जो है आपके पास टाइम है, और एक बिगेस्ट मोटिवेशन बड़ा आप लोग के लिए ये है कि अगर इन 20 दिनों में जो है आपने मेहनत कर लिया तो किसी को भी यहां पर पता नहीं चलेगा कि आपका कंपार्टमेंट आया था, क्योंकि मार्क्सशीट दोनों ही स्टूडेंट्स को सेम मिलेगा, आपके जो दोस्त पास हो चुके हैं उनका और आपका भी जो है सेम मार्क्सशीट मिलेगा। लेकिन अगर इन 20 दिन में जो है आप वही गलती करते हैं जो बोर्ड एग्जाम में आपने गलती की थी तो आप लोग जो है यहां पर ये जो है ध्यान से समझ लीजिए 1 ईयर का गैप वाला मार्कशीट आपको मिलेगा, क्योंकि इसके बाद जो नेक्स्ट कंपार्टमेंट होगा वो नेक्स्ट ईयर ही होगा। तो 1 साल आपको बचाना है या फिर 1 साल जो है आपको यहां पर पूरी तरीके से आपको सेव करना है, ये आपके ऊपर डिसीजन है। आई होप दोस्तों आप लोग जो है समझ गए होंगे ये 5 बड़ी गलतियां जो आपको एग्जाम में बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए अगर आपकी कंपार्टमेंट लगी हुई है या फिर आप इंप्रूवमेंट एग्जाम में दे रहे हैं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपके आने वाले आगे की जो क्लासेस हैं उसको लेकर भी जो है काफी सारी न्यू वीडियो जो है आपको यहां पे देखने को मिलेगी। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, कंपार्टमेंट को लेकर अच्छी तरीके से तैयारी करिए, जरूर पास होंगे। गॉड से भी मैं यही प्रे करूंगा कि हर एक स्टूडेंट पास हो। मिलते हैं एक नए वीडियो में, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। जय हिंद।